1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े को लेकर पलवल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य भगत सिंह द्वारा निजी आईटीआई सेंटरों पर सुरक्षा व स्वच्छता को लेकर जांच की जा रही है। इस दौरान प्राचार्य ने फजलपुर में चल रही वर्तमान आईटीआई सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर के कक्षाओं और लैब के साथ साथ उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही सेंटर का निरीक्षण करते हुए छात्रों से सुविधाओं को लेकर जानकारी हासिल की। पत्रकारों से बात करते हुए प्राचार्य भगत सिंह ने बताया, स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत इन सभी निजी आईटीआई सेंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है। गवर्नमेंट आईटीआई में भी हम अपनी स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया है, जिसमें हमारी स्वच्छता सारी चली हुई है। और मैं नोडल ऑफिसर्स जिले होने के नाते मैं गवर्नमेंट आईटीआई में भी जिले में जा रहा हूँ। मैं हतीन है, हमारी आईटीआई कुशक है, उसमें भी हम स्वच्छता को देख रहे हैं। और प्राइवेट आईटीआई हैं, आज मैं यहाँ नया गांव हमारी एक आईटीआई है वर्तमान, उसको मैंने देखा है, सारी चीज़ देखी है। यहाँ पर हम स्वच्छता के साथ साथ हम जो सुरक्षा है बच्चों के लिए उस पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जैसे जो एक्सीडेंट वगैरह वगैरह जो आईटीआई में होते हैं, हम उस पर भी इसके साथ साथ स्वच्छता के साथ साथ उसको भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरीका का कोई हादसा ना हो। यानी कि कहा जाए कि स्वच्छता पखवाड़े के साथ साथ सुरक्षा पखवाड़ा भी आप ले। हाँ, हम अपनी तरफ से टेक्निकल होने के नाते हम स्वच्छता को विशेष तौर पर जो सरकार ने मुहिम चलाई हुई है उसको भी कर रहे हैं, पूरा का पूरा पूर्ण रूप से इसको देख रहे हैं। आईटीआई जिला पलवल के अंदर आईटीआई पलवल में चल रही है, आईटीआई हतीन में चल रही है, और हरियाणा सरकार के माध्यम से कुशक बडौली में भी आईटीआई सरकारी चली हुई है। और अब जल्द ही हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया जिसमें दीघोट आईटीआई को उन्होंने घोषित किया है, जिसमें 3 और 4 ट्रेड करीबन उसमें दी है। तो लगभग वहाँ के जो कितने बच्चे हैं जो पलवल आईटीआई में आकर पढ़ते हैं? पलवल आईटीआई के अंदर हसनपुर तक बच्चे पलवल आईटीआई में आते हैं। तो हसनपुर क्षेत्र अपना ये होडल क्षेत्र जो दीघोट के इर्द गिर्द है, वो क्षेत्र उस आईटीआई में उनका लाभ मिलेगा। और वहाँ पर हरियाणा सरकार ने अपनी फिटर है, वायरमैन है, वेल्डर है, इस प्रकार कई अच्छी अच्छी ट्रेड जो हमारे विभाग से संबंधित हैं, अच्छी ट्रेड चलाई है। और ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम रहा है कि आईटीआई को सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है। यानी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। तकनीकी शिक्षा से ही माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने विशेष तौर पर एक बार एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने कहा भी था कि हमारा मध्यम वर्गीय जो देश है, इसमें आईआईटी नहीं, इसमें आईटीआई की ज़रूरत है। तो विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जिनको विशेष तौर पर आईटीआई में बहुत लगाव है, आईटीआई की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। और हमारे पास करीबन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, हमारे आईटीआई के पास बहुत ज़्यादा बजट दे रहे हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह से अच्छी अच्छी मशीनरी का हम प्रयोग करके छात्रों को प्रशिक्षण दें।